आप देख रहे हैं न्यूज एंड चैनल, आप सभी का इस्तकबाल है न्यूज एंड चैनल पर। आइए देखते हैं आज की अहम खबरें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज एंड में आप सभी का इस्तकबाल है। जलपली म्यूनिसिपैलिटी के वार्ड नंबर 27 सादात नगर में आज जलपली म्यूनिसिपैलिटी नुमाइंदा वाइस चेयरमैन सैयद यूसुफ पटेल, जलपली म्यूनिसिपैलिटी टीआरएस प्रेसिडेंट इकबाल बिन खलीफा, एमआईएम लीडर छोटू भाई ने चल रहे सीसी रोड के काम का जायजा लिया। मुकामी आवाम खुशी का इजहार करते हुए नुमाइंदा वाइस चेयरमैन सैयद यूसुफ पटेल, म्यूनिसिपैलिटी टीआरएस प्रेसिडेंट इकबाल बिन खलीफा, एमआईएम लीडर छोटू भाई की गुलपोशी करते हुए उनका शुक्रिया अदा किया। आइए नाज़रीन देखें इसी की तफसीली रिपोर्ट। न्यूज़ एन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना। पिछड़ो काउंसलर साहब, बत्ती वाले आप खुश हो रहे हैं देखो तुम्हारे से। हाँ फैयाज भाई, दोस्त लेना है बड़े ना, वो हमारे हमारा काम है तुम्हारे चलाना। बिल्कुल अच्छे अच्छे लोग सुधर गए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज वार्ड 27 में सीसी रोड का काम चल रहा है, जो मैडम सविता इंद्रेडी जी की एक बड़ी कामयाबी जो जलपल्ली म्यूनसिपालिटी में पूरे मैशरम कॉन्स्टेंसी में है। उसी तरीके से जलपल्ली म्यूनसिपालिटी में यहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे एरिया में, हर गांव में तकलीफ थी, जैसा कि ड्रेनेज लाइन की हो या सीसी रोड्स की हो या वाटर की हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैडम साहिबा जब से जीत कर आए हुए हैं जलपल्ली म्यूनसिपालिटी में तरक्यात के काम जोरों शोरों से चल रहे हैं। इसी के साथ में हमारे इकबाल भाई के वार्ड में बहुत बेहतरीन बड़े पैमाने पर वाटर टैंक का जो काम चल रहा है वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द कामयाब इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। उसी के साथ में सीसी रोड्स के भी जितने काम थे इकबाल भाई के वार्ड में वो भी मुकम्मिल हो रहे हैं। तकरीबन आप लोग देख सकते हैं पूरा जलपल्ली म्यूनसिपालिटी में श्रीराम कॉलोनी हो या वादी मुस्तफ़ा में हो, वादी हदीस की रोड वो भी हो गई, वैसी शाहीन नगर की जो मेन रोड थी वो रोड हो गई, वादी सालेन के भी जो है ड्रेनेज लाइन का काम चल रहा है इंशाल्लाह वो भी रोड होंगी। तकरीबन एरिया के जो जाबरी कॉलोनी की रोड है और अपने पहाड़ी शरीफ का भी एक 3 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से वो भी काम चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह करोड़ों रुपए की लागत से 72 करोड़ रुपए की लागत से वाटर लाइन का काम चल रहा है, बहुत बड़े पैमाने पे काम चल रहा है। मैडम सविता इंद्राडी जी का कितना भी हम लोग शुक्रिया अदा करें तो कम है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जो जलपल्ली म्यूनसिपालिटी में जो तरक्यात के जो काम हो रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ मैडम सविता इंद्राडी जी की जानिब से हो रहे हैं। और यहाँ पर जितने भी आप तकलीफात देख सकते थे, पहले लाइट की भी यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम रहता था, कोई बस्ती में लाइट ना नजर नहीं आती थी आपको, आज हर गली में हर लाइट के पोल पर जो है ना खंभों पे पूरे लाइट नजर आ रहे हैं आपको। वाटर लाइन का काम चल रहा है हर जगह पे, जहाँ तकरीबन हो गए वहां पर सीसी रोड्स का भी काम चल रहा है। कुछ एरिया में जो रोड का काम पेंडिंग है इंशाल्लाह वो भी जल्द से जल्द जो है ना काम कराएंगे। उसी के साथ में और अपना मेन रोड पर श्रीसलम रोड से हमारे जो जलपल्ली कमान के पास से जो देसी ढाबे को जाने के लिए जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम था वो भी अल्हम्दुलिल्लाह वो भी रोड का काम कंप्लीट हो चुका है। इसी तरीके से गांव में जो जा रहे थे जलपल्ली गांव में वो भी एक बड़ी रोड का काम था, वो भी काम पूरा बाबा कांटे तक वो भी काम हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ा कारनामा है, हम सीएम केसीआर साहब का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। उसी के साथ हमारे मैडम सविता इंद्राडी जी का और इसमें कार्तिक रेड्डी साहब का भी बहुत बड़ा एक हाथ है, क्योंकि ये तरक्यात में मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज जुम्मे का दिन है, माशाल्लाह जो है ना 27 वार्ड में अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है,
सबिता इंदरडी मैडम इनाग्रेशन करे थे ये 3 महीने पहले। 1 करोड़ रुपए का बजट था ये, जो मम्मूलान के घर कने से जो कलवट है, मम्मूलान के घर कने से लेके अहमद शामिद के चौरस्ते तक 1.5 फीट 2 फीट का जो सोना पैंप डाला था, वो पैंप का काम तो हो गया। उसमें थोड़ा जो सोना सीसी रोड होगा था काम, ये सीसी रोड का अहमद शाह मस्जिद के लेफ्ट साइड से मुड़ के इकबाल कॉलोनी की टर्निंग तक वहाँ पर यह सीसी रोड का जो है ना ये काम भी आज जो है ना अल्लाह के फजलो करम से हमारे सबिता इंदरडी मैडम साहिबा की नुमाइंदगी और उनके दिलचस्पी से जो आज जो है ना जो जितना भी जलपल्ली म्यूनसिपल के 28 वार्डों में जो काम जो चल रहे हैं, अलहमदिल्ला जो है ना अल्लाह ताला का शुक्र है कि सबिता इंदरडी मैडम सीएम केसीआर साहब से नुमाइंदगी करके और केटीआर साहब से नुमाइंदगी करके जो बजट ला के यहाँ पर जो कामा कराते हैं बहुत बड़ी बात है। ऐसा जो है ना कोई से भी एमएलए नहीं कराते, अलहमदिल्ला जो है ना पब्लिक भी बहुत खुश है सबिता इंदरडी के मैडम के कामों से। और हमारे को भी जो है ना काउंसलरों को भी जनवरी में 3 साल होता, हम भी यहाँ के लोगों को जबान दिए थे कि मिठा पानी जो है ना हम जीते बाद में इंशाल्लाह चालू करेंगे, मिठा पानी भी चालू कराए कि रोड का काम भी हो रहा। और सबसे बड़ी बात जो है ना 7 करोड़ 40 लाख रुपए की जो टाकी बन रही है, जो सलाला की टाकी से बड़ी है, चक्की पहाड़ की टाकी से बड़ी है, 60 लाख लीटर की जो है ना 60 लाख लीटर की टाकी है वो, 7 करोड़ 40 लाख रुपए का बजट है उसका। अल्लाह का शुक्र है कि जो ना वो टाकी एक साल के अंदर कंप्लीट हो जाएंगी। तो जब पूरा पानी जो है ना ये पूरे एरिया को तकरीबन एरिया को जो ना पानी मिलेगा अच्छा, ये मैडम की नुमाइंदगी है, मैडम का काम है। हर वार्ड में कहीं भी जाके देखो तुम लगा, कौन से भी वार्डों में जाके देखो जलपल्ली म्यूनसिपल के कुछ ना कुछ तो काम चल रहा। मैडम यहाँ के एमएलए है, तेलंगाना के मिनिस्टर है, उन्हें बजट दिए बोल के तो काम होते रहते। अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना हमारे जितना भी है यहाँ पर पब्लिक भी जो है ना मैडम से बहुत खुश है, और हमारे सादात नगर के भी लोग जो है ना बहुत जने सब जने खुश है। हमारे नुमाइंदा वाइस चेयरमैन यूसुफ पटेल साहब भी आए हुए है, और हमारे सादात नगर के छोटू है एमआईएम के यहाँ के उन्हें भी है, सब हम लोग का मिलजुल के जो है ना इंशाल्लाह डेवलपमेंट का काम देख रहे हैं। तो पार्टी वार्टी सब बाद में इलेक्शनों में, अब जो भी है सब मिलजुल के जो ना काम देख लेते रहते हम लोग। अस्सलाम वालेकुम भाई।